हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं एक योग शिविर में आई हूँ, तो ये महिला सम्मेलन है, तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो में शुरू करती हूँ। अगर मेरा चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। का बोल बढ़ता है, बढ़ जाता है। सर्दी लगी का पकड़ा 99% बीमारियां किसी भी हो सकती है खाली प्राणायाम से। अब तो कठिन आसन नहीं कर सकते, राइटर भी वही, एक्टर भी वही, और बिना बिना एक्टर नहीं का एक्टर। लेकिन एक फैक्टर है सबसे बड़ा, स्वामी रामदेव योगी है। क्या है बोले स्वामी रामदेव? और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। लोग नाराजगी में बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अरे योग है तो सब कुछ मुमकिन है हमारी जिंदगी में। वो तो राजनीतिक नारा है, यह हकीकत है जिंदगी। तो जी अमित भाई कुछ कह रहे थे, कोशिश शायद दोबारा की इन्होंने जोड़ने की। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड दमा अस्थमा, आजकल तो लोगों को फेफड़े में टीबी, फेफड़े में कैंसर, गले में कैंसर बहुत बढ़ रहा है। एलोवेरा का गरारा करना, 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अमरूद के पत्ते भी और डालते हैं, और उसको घोट करके, पीस करके, छान करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दे, सारे कफ दोष दूर हो जाते। मात्र भस्त्रिका ही 5-10 मिनट हम ऐसे लगातार करा देते। इसलिए कपेष्टि से हवन भी कराते, कफ रोग वात रोगों में वातेष्टि से, पित्त रोगों में पित्तेष्टि से हवन कराते। जो हवन हमारी पूजा साध्वी देव प्रिया जी और श्रद्धामयी बहन पिताभरा जी कर रहे हैं, कश्मीरा जी, ओहो बड़ा जबरदस्त है हवन भी। और आप देखो कबार भाती, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है ना, उनको वो करना चाहिए गुंजर कर, सुबह उठ करके गुंजर करो, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पी, खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, खाना एक बार में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और खाने में पहले थोड़ा सलाद, खाने में पहले थोड़ा सलाद, थोड़े फल, थोड़ा अनारदाना, थोड़ा पपीता, सेव खा लेना चाहिए, बाद में पका हुआ खाओ, धीरे धीरे छाछ खा के खाओ, फिर तो बनी गई। पित्त बनता है अपचन से, खाया पिया अच्छे से हजम लेता हो, पित्ता से गालब्लैडर लीवर उत्तेजित हो जाते हैं, उससे पित्त बनता है। तो खाने के सीक्वेंस को थोड़ा बदलो, और फिर खाने के बाद में 1 घंटे बाद गर्मिया तो आधा तो कितनी बड़े कबार भरस, और अनुलोम विलोम से सारा बात, और सारी नसरानियों में पूरी शरीर में पूरा आधार से फायदा होता है। बात पर बात रहा 10,000-2,000 प्राणियों में अष्ट चक्रों में तो इसके लिए रेडीमेड था पेड़ा के गोल्ड और तो के इसी का होते अमित भाई। एलर्जी का समाधान बता दिया, अगला प्रश्न आप देखो। सुनता देखो जब किसी दूसरों पर आप आश्रित रहेंगे तो गड़बड़ होने की बहुत संभावना है, तो कोशिश करो कि अपना काम खुद ही करो। जी आप दोबारा से हमारे पीसीआर वाले ग्राफिक्स वाले दोबारा से दिखा देंगे, तो मैं अब नजदीक से पढ़ पाऊंगा। और होती है और हाथ करो के जोड़ों में आवाज आती है, कुछ सूक्ष्म काम कर चलो सब, और इसमें लाभशादी गुगल खा लो, लाभशादी गुगल खा लो, गोंद के लड्डू खा लो, क्या खा लो? लड्डू खा लो, और धूप भी थोड़ा बैठ जाओ, और थोड़ा एलोवेरा और गिलोय पीने से भी ये जॉइंट्स के अंदर की आवाजें खटपट बंद हो जाते हैं, अंदर से कैल्शियम की कमी या जिनकी भी नजर कमजोर है वे अनुलोम विलोम करें, महात्रिका भेद खाएं, कान अच्छे रहेंगे, चेहरा अच्छा रहेगा, और नजर कमजोर
आई या नजर कमजोर हो गए तो आई ग्रिड खा लेना था तो पुलिस वैसा कान ज्यादा कमजोर पड़ गए तो ईयर ग्रिड खा लेना, फेफड़े कमजोर पड़ गए तो सासारी, हड्डियां कमजोर पड़ गए तो पीड़ानी, हार्ट कमजोर पड़ गया है तो हृदयामृत, लीवर कमजोर पड़ गया है तो लिवोग्रीन, किडनी कमजोर पड़ गई है तो रिनोग्रीन, पेनक्रियाज कमजोर पड़ गया तो पीना वो इम्यूनिटी के लिए भी है और वो बालों के लिए, आंखों के लिए, चेहरे के लिए, हड्डियों के लिए पूरे शरीर के लिए बताया था। अब 32 साल की उम्र में लो इम्यूनिटी का व्यक्ति शिकार हो जाए तो अच्छा नहीं रहता है। आपने हिमालय में रहती है, बहुत कमजोर सी हो गई और हर दूसरे तीसरे महीने सर्दी, जुकाम का कोड़ बुखार, तो थोड़े से मेरे को ऐसा लगा कि आप बस स्वर्ग आरोहण करने वाली हो हिमालय से सीधा। तो बोले मैंने वो इम्यूनोग्रीन खानी शुरू की सामान्य बिना बोल्ड वाली, और दो दो गोली खाई और दो तीन महीने के बाद मेरी सर्दी जुकाम बुखार ऐसे गया, अब एक साल से नहीं आया है। तो जोरदार अभिनंदन है इम्यूनोग्रीन का, बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी कोरोना गया नहीं है और कोरोना ही नहीं, उनको हर बीमारी हो जाती है। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो जिनको भी इम्यूनिटी लो है वो इम्यूनोग्रीन खा ले, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए। और वैसे मेरे मैंने तो अपना घर रखा है, मैं जीते जी भी संसार के काम आऊंगा और मेरे जाने के बाद भी कम से कम 100-200 साल तक स्वामी रामदेव का लीवर, स्वामी रामदेव की किडनी, स्वामी रामदेव की आंखें, स्वामी रामदेव का फेफड़ा, स्वामी रामदेव का हार्ट, स्वामी रामदेव की आंखें इनसे कोई देख सके। गर्दे का काय वाले भाई नीलेश पारिक के पास चाबी है, अपनी चाबी ले सकते हैं। रुचि सोया का डंका स्वामी जी बाबा जा रहे हैं, रामदेव बाबा अभी ये गाड़ी है तो बाबा अभी यहाँ से चले गए हैं, वहाँ पे गाड़ी है। ओ नीरज, हाँ आप लोग कहाँ से आए हैं? आना से। आना से, ओके। चलो नीरज, भारत माता की जय। सब नाश्ता कर रहे हैं, जैसे फोटो करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा, थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए हैं? शाहपुर से। अच्छा, शाहपुर से।
मतलब सब नजदीक नजदीक से ही आए बोलने का कुछ नहीं है। हाय हाय थैंक यू। सब नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? वाला। अच्छा थैंक यू। आप कहाँ से? फुलवे से आई हूँ। हाँ सब लोग लाइन पे खड़े हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा आप? मैं उलवे से आई हूँ। ओके बहुत दूर। 5:30 बजे घर से निकले हैं। उलवे उलवे से आए। अच्छा अच्छा 3 बजे निकले। 3 बजे निकले। अच्छा चलिए सभी बहने अच्छी तरह से बैठ जाए। ध्येय संकल्प में एकाकर हो जाना, इस तरह से कर्मठ और कर्तव्य परायण बहन अमृता जी देवेंद्र फडणवीस का सत्कार होने जा रहा है। जोर से ध्वनि के साथ। भारत की शिक्षा बदलेगी, बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिलेंगे, तभी भारत का नव निर्माण होगा। मुंबई और ठाणे की बहुत ही ऊर्जावान, श्रद्धा से आपूरित, प्रेम करुणा और सेवा से सिंचित जिनका हृदय है, जिनमें श्रद्धा की पराकाष्ठा है, सेवा की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की दिल में पराकाष्ठा है, ऐसी हमारी सभी बहनों का मैं पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जैसा बताया, कल्याण जिले में 114 कक्षाएं अभी चल रही हैं और बोरीवली भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, 111 ही है। डोंगीवली वाले भी 72 हैं, अभी थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो 100 पर पहुंच जाएंगे। और 100 से अधिक योग कक्षाएं चलाना एक बहुत बड़ा आदर्श कीर्तिमान है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। और योग सेवा, उससे तो पूरा जीवन रूपांतरित होता है। तो आप सब बहने, साधना करना, योग की प्रैक्टिस करना, वो भी बहुत अच्छा काम है। जो योग करेंगे वो निरोग रहेंगे, योग नहीं करेंगे तो रोगी बनेंगे, रोगी होंगे तो खुद भी दुखी रहेंगे, परिवार को भी दुखी करेंगे। जो परिवार में एक माँ बहन बेटी यदि रोगी हो जाती, माँ रोगी होगी तो बच्चों को दुखी करेंगे, पत्नी रोगी होगी तो पति को दुखी करेंगे। मान लीजिए अमृता जी, ये तो रोगी होने वाली नहीं है क्योंकि योगी नहीं बहन है, हमारा जोरदार अभिनंदन इनका। मैं सुबह याद कर रहा था, ऋषि बोली स्वामी जी मैं सर्वांग आसन कर तो लेती हूँ, उनको यंग रहने की इतनी लगन है कि मुझे लगता है अमृता जी 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि ये बात हिसाब किताब से खाती है।
खुश रहती है जब देखो बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती है। तो जैसी मुस्कान अमृता जी के चेहरे पर है ऐसी मुस्कान आपके सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूँ। आप हैं बहुत खुश, खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोड़े में पैक करके लेके आ रही थी, कोई सुबह योग किया उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन ले। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं। ये है कि आप पहले जो सेवा कर रही हो ना, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का आंदोलन अनुष्ठान अभियान महायज्ञ। और इस योग शक्ति से भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के इस अनुष्ठान में, आंदोलन कहो, अभियान कहो, महायज्ञ कहो, राष्ट्र यज्ञ कहो, भारत माता आप माताओं से है, आपको प्राप्त करेगी। और किसी के कोख से ओसामा बिन लादेन पैदा हो गया, किसी की कोख से कोई और, वैसे ही भाव चेतना मैं आपके भीतर प्रतिदिन देखता हूं। और मैं तो जो कुछ जीवन में कर पाया, जिस माँ पूजा गुलाब देवी माता ने मुझे जन्म दिया, हमें सब पेटल पेटल कह के चिढ़ाते थे, ये पेटल आ गया, और मेरा पेट ऐसे मोटा सा टांग जूं, उतने आपस में मिलते थे। मैंने गरुड़ासन करके पद्मासन करके तो मेरा पेट अंदर चला गया। अब तो जो मेरे पेट से मुझे चिढ़ाते थे, आज मेरे पेट के करोड़ों दीवाने हैं और दीवानियां। अब तो जब मैं पेट घुमाता हूं तो दुनिया घूमती है। योग का परिणाम क्या होता है, इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठे हुए, इसका लाइव एग्जाम्पल पूज्य आचार्य भारत सिंह जी, इसका लाइव एग्जाम्पल कश्मीरा जी, हमारी सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई, एक बार सब बहनों का जोरदार अभिनंदन हो जाए। कश्मीरा जी हैं, सुधा जी जो हमारी वरिष्ठ राज्य प्रभारी है उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रश्मि जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, सुधा जी का 75 साल पहले 100-150 साल पहले हमारे साथ में थे, ईरान इराक तक, इतना बड़ा विराट भारत आज कैसे कमजोर पड़ गया। बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से, जोरदार तालियों के साथ। बहुत जवान भारत है, युवा है, ऊर्जावान है। और अभी मैं बोल रहा था आपको नए इतिहास करने हैं, राव भाई श्रीकांत जी भी नए इतिहास करने में लगे हैं, आशीर्वाद आप लाओ बेटे नारायण जी। जोरदार तालियां बजा लो श्रीकांत जी, बाबा जी बना लो। मैं अवसर ही ढूंढते रहती हूँ कि कब गुरुजी के दर्शन लो और उनसे कभी वार्तालाप करूँ, बातें करूँ। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर अच्छा हो, पति अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हो, समाज अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, रुपया पैसा घर में अच्छी समृद्धि हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सबको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, सब मेरे साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करें। लेकिन ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाएगा कौन? तो बोलिए ये तो महाराज जी बना देंगे। महाराज जी तो बना ही रहे हैं, भगवान जी तो बना ही रहे हैं, लेकिन उस कार्य में हमारा असहयोग नहीं होना चाहिए, हमारा भी बढ़ चढ़ करके सहयोग होना चाहिए। तो फिर हम अपनी आंखों से और अपने हाथों से ऐसे समाज को बनाएंगे जो हम अंदर से कल्पना करते हैं।
कुछ विद्वानों को मैंने देखा बहुत ज्ञानी होते। तो अभी हम यहाँ का शिविर खत्म हो गया, तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग देखते रहिए। टाटा।